हेलो दोस्तों, मैं जुफैन लाया हूँ आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी अपने मोबाइल में एक ऐप यूज़ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है वो ऐप है व्हाट्सएप। तो दोस्तों, आज मैं आपको लाया हूँ ये वीडियो व्हाट्सएप से रिलेटेड। इसमें बताऊँगा मैं आज आपको व्हाट्सएप हैकिंग के रिलेटेड। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप एक ऐसी ऐप है जिसके द्वारा हम अपनी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें किसी दूसरे से करते हैं। कुछ हमारी पर्सनल फैमिली की भी होती हैं, कुछ हमारी बिजनेस से रिलेटेड भी होती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हमें डर होता है कि कहीं हमारी ऐप के द्वारा जो हम बात कर रहे हैं वो कहीं कोई और तो नहीं पढ़ रहा या कोई और तो नहीं उसको देख रहा। तो दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है ये है कि क्या आपका व्हाट्सएप हैक तो नहीं हो रहा। दोस्तों, आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि हमारा व्हाट्सएप हैक हो रहा है और हमें पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों, वास्तव में इसका पता नहीं चलता। अगर हमारा व्हाट्सएप किसी हैकर ने किया है तो बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर जनरली जो आजकल लोग बाग नॉर्मली हैक कर लेते हैं उसका हम बिल्कुल पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में जरूर एंड तक देखना मेरी वीडियो को। मैं इस वीडियो में जरूर आपको बताऊंगा कि क्या आपका व्हाट्सएप हैक है या नहीं। अगर आपका व्हाट्सएप कोई और यूज कर रहा है तो उसका आपको कैसे पता चलेगा, ये वीडियो मेरी एंड तक देखें और आपको इसका बारे में जरूर पता चलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं कि क्या हमारा व्हाट्सएप हैक तो शुरू हम दोस्तों हम आते हैं अपने एप्लीकेशन पर। तो दोस्तों, ये हमारी एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले मैं अपना व्हाट्सएप खोलूं, तो मैं अपने व्हाट्सएप खोला है तो यहाँ मुझे ऐसा पता नहीं चलेगा कि मेरा व्हाट्सएप हैक है या नहीं है। मैं ऐसे ही अपना नॉर्मली चैट करे जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसके जानने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा सेटिंग में। ये सेटिंग हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में सभी में सेटिंग का ऑप्शन आता है। सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद दोस्तों इसमें एक ऑप्शन आता है व्हाट्सएप वेब डेस्कटॉप। ये सभी में आता है, एंड्रॉयड में भी आता है और आईफोन में भी आता है। मेरा आईफोन है, थोड़ा तरीका अलग है, बाकी एंड्रॉयड में भी आपके में जरूर इसी तरीके से ऑप्शन आएगा जिस पर लिखा होगा व्हाट्सएप डेस्कटॉप। तो दोस्तों, इस पे क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा। देखो दोस्तों, जैसे मेरा ये दिखा रहा है अभी कि लास्ट एक्टिव टुडे 7:24 PM, यानी कि मेरा ये व्हाट्सएप यहाँ मोबाइल के अलावा दूसरी जगह भी चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा व्हाट्सएप दूसरी जगह चल रहा है। कहाँ चल रहा है ये दिखा भी रहा है कि आपका जो व्हाट्सएप है ये स्टैंडर्ड इन गढ़मुक्तेश्वर में MacOS पे चल रहा है। तो मेरा जो ये है, मैं आपको दिखाऊं, मेरा व्हाट्सएप यहाँ मेरे इस पे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे ही इस पे चल रहा है, डेस्कटॉप पे चल रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों, ये क्या होता है कि हमारा व्हाट्सएप दूसरी जगह हमारा व्हाट्सएप चल जाता है और हमें पता भी नहीं होता है। ये 2 मिनट के लिए हमारा मोबाइल का और हमें पता भी नहीं चलेगा वो अपने पे। तो दोस्तों, इसका तरीका यह है कि अगर आप जैसे भी कभी भी यहाँ चैटिंग पे हैं, आप कभी भी किसी से चैटिंग करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप सेटिंग में जाके जरूर अपने इसको देख लीजिए, व्हाट्सएप वेब डेस्कटॉप पे जाकर देख लीजिए कि क्या आपका व्हाट्सएप पे ऐसा कुछ आ रहा है। अगर दिखा रहा है कि लास्ट एक्टिवेट इतना, तो इसका मतलब जरूर आपका व्हाट्सएप कहीं दूसरी जगह भी यूज हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा सो हो रहा है तो आप उसको लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइस कर दीजिए, तो उसके बाद आपका व्हाट्सएप दूसरी जगह से चलना बंद हो जाएगा। देखिए, अब मैं जैसे करूंगा व्हाट्सएप वेब डेस्कटॉप, तो इस तरीके से आएगा। अगर इस तरीके से आ रहा है तो मतलब आपका व्हाट्सएप हैक हुआ हुआ नहीं है, और जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया उस तरीके से आ रहा है तो मेरा व्हाट्सएप इसका मतलब दूसरी जगह हैक हो रहा है। तो दोस्तों, मुझे जरूर बताएं मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली पहली बार नए आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।